हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफानों का भी रुख बदल देती है। अरे हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफानों का भी रुख बदल देती है। अरे अपने पंखों पर भरोसा रख, अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं से तो पतंगे उड़ा करती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक वर्मा, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे बिहार पुलिस के जो एग्जाम होने वाले हैं उसे कट ऑफ के बारे में। क्या सेफ उसको रह सकता है, कितना नंबर लाने पर आप सेफ जोन में रह सकते हैं। अब आप ये कहेंगे कि सर एग्जाम हुआ नहीं, फिर आप कट ऑफ कैसे डिसाइड कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, पिछली भर्ती को लेकर हम एनालिसिस करेंगे, पिछली भर्ती को देखते हुए कंपटीशन लेवल का अंदाजा लगाएंगे और एक आप विश्वास रखिए आपको एक सटीक एनालिसिस मिलेगा। फ्रेंड्स, बात करते हैं इस बार के टोटल क्वेश्चन है 21,391 जो आपका रिजल्ट दिया जाएगा फिजिकल के लिए। इसका 5 महीना रिजल्ट होगा यानी 106,955। मेरी एक एक बात को ध्यान से समझिएगा, वीडियो के बीच में मैं आपको ऐसी बात बताऊंगा जो आपकी सफलता की तरफ एक कदम आगे बढ़ा सकती है। मैं कुछ ऐसा सीक्रेट बताऊंगा, कुछ ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप इस एग्जाम को बहुत ही आसानी से क्लियर कर सकते हैं। बस मेरी बात मानिए, वीडियो बने रहिए, पूरा अंत तक वीडियो को देखिए। आइए देखिए, पुलिस वैकेंसी की बात कर लेते हैं। तो जो एज लिमिट है फ्रेंड्स, आपका 1 अगस्त 2022 तक 18 वर्ष मिनिमम होना चाहिए। ठीक, आप लोग सभी लोगों ने देख लिया होगा एज लिमिट क्या वगैरह, आप सभी को पता होगा, मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूं। लास्ट डेट जो है 20 जुलाई की है। सैलरी जो आपकी रहने वाली है 21,700 से लेकर 69,100 तक। देखिए, सबसे मेन है इसमें समझना रिटर्न सिलेबस। यदि आप रिटर्न सिलेबस को अच्छे से समझ लेते हैं तो इस एग्जाम को आसानी से क्रैक कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं बिहार पुलिस। और हाँ, मैं एक सीक्रेट बताऊंगा आपको, वीडियो बने रहिए, बीच में सीक्रेट बताऊंगा। जो आप कहते हैं ना कि बिहार पुलिस मेरा नहीं हो सकता, धांधली चलती है, बताऊंगा मैं सीक्रेट, बने रहिए, वीडियो छोड़कर मत जाइएगा। चलिए रिटर्न सिलेबस की बात करते हैं। तो आपको टोटल 100 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, 100 मार्क्स के क्वेश्चन आपके रहेंगे, 2 घंटा समय है और नो निगेटिव मार्किंग है। ठीक, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब बात किया जाए सिलेबस के बारे में, एग्जाम क्वेश्चन के बारे में। देखिए, जीके और सीए, जो जीके और सीए यानी जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स जिसको बोला जाता है, उसको मिलाकर के आपसे 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समझ में आ रहा है? अब देखिए, यानी जीके से 40 क्वेश्चन और करंट अफेयर्स से 5 क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, करंट अफेयर्स का आंकड़ा बढ़ भी सकता है, क्योंकि आप लोगों ने आज के जितने भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम हो रहे हैं उन सभी एग्जामों में करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण बहुत ज्यादा है, इनकी इम्पोर्टेंस ज्यादा है, इसलिए करंट अफेयर्स बढ़ भी सकता है, 5-7 से 8 करंट अफेयर्स हो सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलाकर के 7-8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। अब बात करते हैं साइंस की। साइंस जो है आपके सिलेक्शन में अहम रोल निभाएगा, क्या अहम रोल यही अदा करेगा, जो आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अब बारी आती है मैथ की। फ्रेंड्स, मैथ जो है 8 से 10 या 11 इतना ही पूछा जाता है, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। आप लोग सबसे ज्यादा कट ऑफ ही देखते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों कट ऑफ कोई मायने नहीं रखता है, फिर भी मैं आप लोगों के संतुष्टि के लिए मैं कट ऑफ बता रहा हूं, कट ऑफ का कोई मायने नहीं है। अगर आप कट ऑफ देखकर जैसी तैयारी करना चालू करेंगे ना, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। कट ऑफ क्या है? कट ऑफ कुछ भी नहीं है, इसलिए मेरी बात मानिए, कट ऑफ को पीछे छोड़िए, कट ऑफ को गोली मारिए, तैयारी अपने बल पर कीजिए। खैर, आइए देखते हैं। देखिए, जो प्रीवियस एग्जाम हुआ था जस्ट इसके पीछे लगभग 8,000+ कुछ वैकेंसी थी, 8,000+ थी उसमें। ये देखिए, मैं रिटेन का कट ऑफ बता रहा हूं, जो रिटेन एग्जाम का कट ऑफ गया था, रिटेन एग्जाम का जो कट ऑफ था, जनरल का 64 था और फीमेल का 53 था। ठीक,
वहीं अगर बात की जाए बीसी कैटेगरी की, तो बीसी का जनरल में सॉरी बीसी का मेल कैटेगरी में 61 नंबर था और फीमेल में 49 नंबर था। अगर बात करते हैं ईबीसी की तो मेल में 59 नंबर और फीमेल में 46 नंबर। वहीं अगर बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस की जो था 54 नंबर मेल कैटेगरी का और फीमेल का 41 नंबर। फ्रेंड्स वही अगर बात करते एससी की, एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो उनका था 56 नंबर मेल में और फीमेल में 42 नंबर। एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी का मेल में जो था, मेल और फीमेल, मेल में जो था 58 नंबर और फीमेल का था 46 नंबर। फ्रेंड्स ये बात हुई आपके रिटन एग्जाम की रिजल्ट की, जिससे आप फिजिकल में जाते हैं, ये उसकी मैं बात कर रहा हूं। अब ध्यान दीजिएगा जरा, मैं यहाँ फिजिकल का कट ऑफ भी बता रहा हूँ, प्रीवियस ईयर कितना फिजिकल का कट ऑफ गया था, ये देखिए फिजिकल कट ऑफ है। देखिए मेल के लिए 76 नंबर गया था कैटेगरी सहित, देखिए कैटेगरी यहाँ पर आपको दिख रही होगी इस सामने, जनरल में मेल का 76 नंबर और फीमेल का 64 नंबर। और वहीं बात करें बीसी का तो मेल में 72 नंबर और फीमेल में 68 नंबर। वहीं अगर बात करें ईडब्ल्यूएस का तो मेल में जो था 72 नंबर और ईडब्ल्यूएस में सॉरी फीमेल में 60 नंबर। अब वहीं बात करते हैं एससी का, एससी कैटेगरी का जो फिजिकल कट ऑफ था मेल का 68 नंबर और फीमेल का 50 नंबर, सॉरी ईडब्ल्यूएस का, देखिए मिस्टेक हो गया बताने में, ईडब्ल्यूएस का 68 नंबर था फ्रेंड्स मेल में और फिजिकल में फीमेल में 62 नंबर था ईडब्ल्यूएस का, ठीक है वही था, ठीक बता दिया हमने। अब देखिए अंतर कितना कह रहा है कि रिटेन में 64, मैं जनरल कैटेगरी को पकड़ के चलता हूँ, मेल का वही मेल का फिजिकल रात कितना कट ऑफ चला गया फिजिकल में 76 नंबर। यानी इस बार का सेफ स्कोर बताने से पहले मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। एक चीज बताइए, आप लोगों में से कितने लोग मानते हैं कि हम पैसा देंगे तभी सिलेक्शन होगा या पैसा देने वाला का ही सिलेक्शन होता है, कितने लोग इस चीज को मानते हैं आप लोग? मैं बताऊं एक चीज, मैं भी एक गवर्नमेंट सरकारी नौकरी करता हूं, पिछले भर्ती में मेरे गांव के मेरे फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स 6 लोग थे जो कि इतने गरीब थे कि पैसा देना तो बहुत दूर की बात है, घूस देना तो बहुत दूर की बात है, उनके घर में 2 वक्त का रोटी जुटाना भी बहुत मुश्किल है। आज वो मेरे फ्रेंड्स बिहार पुलिस में जॉब कर रहे हैं पिछली भर्ती में। देखिए साथियों, हर वैकेंसी में धांधली थोड़ी बहुत होती ही है, इस चीज को मैं भी स्वीकार करता हूं, हमेशा होती है, लेकिन एक चीज मान लीजिए कभी भी किसी भर्ती में 100% सीटों पर वैकेंसी धांधली नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। हम मानते हैं कि 5-10% धांधली होती है, हम 5-10% आंकड़ा मान लेते हैं, ये सच्चाई भी है और ये मेरे सरकार का करप्शन भी है, जो भी कही 5-10% हम मान लिए, लेकिन उसके बाद ही बचा है 90%, तो क्या 90% पढ़ने वाले लड़कों का सिलेक्शन नहीं होता है? मेरे जानकार में तो ऐसे बहुत लोग हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, फिर ये मैं कैसे मान लू? दोस्तों जितने भी इस वीडियो का आप लोग देख रहे हैं ना, मन से इस भ्रांति को निकालिए, जिस दिन आपके अंदर से ये चीज नहीं निकलेगा ना, यकीन मैंने आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जिस दिन आप अपने मन से इस चीज को निकाल दीजिएगा कि नहीं पढ़ने वाले लड़कों का सिलेक्शन होता है, तो सिलेक्शन आपका होगा, एक बात गांठ बांध लीजिए। चलिए बात करते हैं इस बार का सेफ स्कोर। देखिए इस बार कट ऑफ थोड़ा ज्यादा रहने की उम्मीद है, मैं बताऊंगा रीजन क्यों, क्योंकि देखिए इस बार जो है ना 16 लाख प्लस फॉर्म अप्लाई होने की पूरी पूरी संभावना है, यह आंकड़ा 500-600 ज्यादा भी हो सकता है, 500 प्लस 500 माइनस मान के चलिए, ठीक। तो बात करते हैं हम सेफ स्कोर, कितना स्कोर आप अगर कर लेते हैं तो आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। फ्रेंड्स वैसे भी देखिए यहां बताया गया फिजिकल का कट ऑफ, लेकिन चीज बताइए अगर आपका रिटेन क्लियर होता है तो फिजिकल तो आप खुद खुद बना लेंगे, इसलिए मैं फिजिकल कट ऑफ नहीं ले रहा हूँ, फिजिकल कट ऑफ बताने की जरूरत ही क्या है। यदि आप रिटेन निकाल लेते हैं एग्जाम, अच्छे मार्क्स रिटेन निकालते हैं, तो आपका सिलेक्शन खुद ब खुद होगा, फिजिकल आप खुद ब खुद मजबूत कर लोगे। देखिए इस बार जो है जनरल कट ऑफ जो है मेल कैटेगरी में 75 प्लस रहने की संभावना है, हम प्लस माइनस 2 लेकर चल रहे हैं,
दो नंबर कम भी हो सकता है, दो नंबर ज्यादा भी रह सकता है, प्लस माइनस दो का आंकड़ा रहेगा। वहीं फीमेल की बात की जाए तो फीमेल का भी प्लस माइनस दो का आंकड़ा रहने को मिलता है, पैंसठ पैंसठ दो या पैंसठ दो माइनस जो भी हो यही आंकड़ा रहेगा। अगर बात करें बीसी कैटेगरी की तो फ्रेंड्स बीसी कैटेगरी में मेल मेल कैटेगरी का जो सेल्फ स्कोर रहने वाला है 70 प्लस माइनस 2, उसी प्रकार फीमेल की बात की जाए तो 60 प्लस माइनस 2 रहने की उम्मीद है। उसी प्रकार ईबीसी की बात की जाए तो मेल कैटेगरी में 68 प्लस माइनस 2 मान लीजिए इसको भी, और फीमेल में 55 प्लस माइनस 2 रहने की संभावना है। और ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो 65 प्लस माइनस 2, और महिला फीमेल में बात की जाए ईडब्ल्यूएस का तो 40 प्लस माइनस 2। अगर बात करें एससी का तो एससी का जो है प्लस माइनस 50 मेल कैटेगरी में और फीमेल में जो है 40 प्लस माइनस 40, सॉरी ईडब्ल्यूएस का यहाँ कट ऑफ है ठीक है ना, ये एसटी कैटेगरी का काम होगा, पता है थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है, इग्नोर कीजिए, मजाक मत बनाइएगा ठीक ना, गलतियाँ सबसे होती है दोस्तों। या देखिए बात करते हैं एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी में जो मेल मेल का वर्ग का जो कट ऑफ है वो 68 प्लस माइनस 2 रहने की पूरी संभावना है, और फीमेल में 40 प्लस माइनस 2 मान लीजिए। मैं आपसे पूरे दावे के साथ बोल रहा हूँ, बोला देख लो सब चलो चलो करो चलो देखिए मैं पूरे दावे के साथ बोलता हूँ कि आप इसमें से जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं इतना नंबर स्कोर कर लेते हैं तो मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा, यदि आप फिजिकल आराम से क्वालिफाई करते हैं तो। एक बात और ध्यान दीजिएगा, मेरिट जो बनेगी फिजिकल के नंबर पे ही बनेगी, ये तो आपको फिजिकल में ले जाने वाला मार्क्स है, सॉरी ये जो आपका फिजिकल में क्वालिफाई कराने के लिए मार्क्स है, लेकिन साला इस पर भी कट ऑफ बहुत ज्यादा जाता है आजकल, इस पर भी भरमार पड़ी हुई है। देखिए आप लोग के मन में एक सवाल उठता होगा कि सर पिछली बार वैकेंसी 8000 थी प्लस, और इस बार तो 2.5 गुनी वैकेंसी है, 21,392 है, तो सर कट ऑफ कम जाना चाहिए। नहीं, आप इस चीज को मुझे देखिए कि हर साल पढ़ने लड़कों की संख्या भी तो बढ़ रही है, वो तो कम नहीं हो रहा दोस्तों, हर साल पढ़ने लड़कों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, तो कट ऑफ जो है डाउन नहीं होगा, अपर जा सकता है। ये भूल कर भी अपने दिमाग में इस चीज को मत सोचिएगा कि सर वैकेंसी 2.5 गुनी है तो हम कम नंबर स्कोर करेंगे तो मेरा फिजिकल के लिए सिलेक्शन हो जाएगा, इस चीज को मन से बहुत निकाल दीजिएगा। बहुत लोगों को मेरी बात खराब लगी होगी लेकिन जो सच्चाई है मैं वही बता रहा हूँ। अब बात करते हैं तैयारी की रणनीति की, तो मैं एक ही बात बोलता हूँ, बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, भाई मैं तो छोटा यूट्यूबर हूँ, जो बहुत बड़े यूट्यूबर हैं आपको क्या बताएंगे, आपको किताबों का पहाड़ा पढ़ा देंगे कि आप इतना किताब पढ़िए, ये बुक पढ़िए, ये बुक पढ़िए, ये बुक पढ़िए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन नहीं, मैं इस चीज के लिए कभी प्रीफर नहीं करता, हम आप 3-4 बुक ही सिलेक्ट कीजिए और उसी बुक को 10 बार पढ़िए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई लो कैटेगरी का बुक ले लीजिए, मैं बता रहा हूं कौन सा बुक पढ़ना है आपको, सिलेक्शन आपका 100% होगा। तो अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा अपने भाई को, और वीडियो को हो सके तो अपने ग्रुप में बहुत शेयर कीजिएगा। जाते जाते वीडियो का मैं लास्ट बात बताना चाहता हूँ कि जिस दिन आप लोग अपने मेहनत पर भरोसा करना सीख जाएंगे ना, सफलता आपके कदमों में रहेगी, मेरे इस बात को गांठ मान लीजिए। मानते हैं एक बार असफल हुए हैं, दो बार असफल हुए, तीन बार असफल हुए, असफल हो रहे हैं क्योंकि असफलता ही सफलता की कुंजी है फ्रेंड्स, हम असफलता से हारना नहीं चाहिए, हमें असफलता से एक नई सीख लेनी चाहिए, और देखना चाहिए कि हमने क्या कमी की है, मेरी कमी कहाँ रह गई, और उस कमी को सुधार के आगे तैयारी करना चाहिए। साथियों आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका यह लास्ट भर्ती होगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे होंगे जो उम्र के लास्ट पड़ाव पर होंगे और ये उन लोगों के लिए लास्ट भर्ती होगी। यदि आप सपने को पूरा करना चाहते हैं, अपने माँ बाप के सपने को पूरा करना चाहते हैं, अपने शरीर को वर्दी धारण करना चाहते हैं, तब जमकर तैयारी कीजिए, जमकर आप
6 महीने के लिए जब तक एग्जाम नहीं होता अपने आप को घर में बंद कर लीजिए, लॉक हो जाइए और पढ़िए, दबा के पढ़िए, कैसे नहीं सिलेक्शन होगा। एक चीज और मैं आपको इम्पोर्टेंट जानकारी दे देता हूँ एग्जाम डेट के बारे में। देखिए एग्जाम डेट जो है अक्टूबर और नवंबर इसी बीच में होगा, 95% यही संभावना है अक्टूबर और नवंबर के बीच में, या तो अक्टूबर का लास्ट वीक और नवंबर के फर्स्ट वीक आपके एग्जाम होने की पूरी संभावना है। और जो आपके एग्जाम होगा 6 शिफ्ट में होगा, ये भी ध्यान दीजिएगा, 6 शिफ्ट, 1 शिफ्ट नहीं, 6 शिफ्ट में एग्जाम होगा। ठीक, तो अपनी मेहनत भरोसा कीजिए, तैयारी स्टार्ट कीजिए, और 3 महीने आपके एग्जाम में समय है, 3 महीने के लिए अपने आप को एक कमरे में बंद कर लीजिए और दिन रात पढ़ना चालू कर दीजिए, सिलेबस के अनुसार पढ़िए। मैंने बुक लिस्ट का जो सीरीज है कि क्या क्या बुक पढ़ना चाहिए मेरी पिछली वीडियो में आपको मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।